नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मशहूर समाजसेवी और समाजवादी पार्टी के नेता इसरार अहमद साहब मौजूद हैं। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ मुद्दों पर बातचीत कर लिया जाए। देश के अंदर जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम रहे उसके ऊपर बातचीत कर लिया जाए, और सबसे ज़रूरी जो अभी मैनपुरी और रामपुर और खतौली के जो उपचुनाव हुए उसके नतीजों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है वहाँ पे, और उसके बाद अब जो है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कार्यकाल को एक तरीके से कह लीजिए कि आगे बढ़ाया है। इन तमाम चीज़ों को इसरार अहमद किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, और मुस्लिम समाज क्या सोचता है, आम वर्ग क्या सोचता है, और इन सब बातों पे आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात मैं और बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो आजमगढ़ ज़िला आता है वहाँ पर अगर बात की जाएगी मुस्लिम क़यादत की, मुस्लिम लीडरशिप की समाजवादी पार्टी में, तो इसरार अहमद का चेहरा ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में इनका शुमार है और बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। इनकी जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितना इनको लोग मुस्लिम समाज के पसंद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हिंदू समाज में भी इनकी स्वीकार्यता है, लोग इनको मानते हैं। तो देर ना करते हुए इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो चुनाव हुए हैं बीते दिनों में उसके रिजल्ट को देख करके इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले इसरार भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी, तो अभी जो सबसे बड़ी अगर घटनाक्रम की बात करें तो आपने जिनको देख करके राजनीति में कदम रखा, मुलायम सिंह यादव, आप काफ़ी भावुक भी हो गए थे, मैनपुरी भी गए थे आप, तो अब वो नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। तो मुझे बताएं, पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या मुलायम सिंह यादव के खालीपन को कोई भर सकता है क्या? वो तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई लीडर उनकी जगह नहीं भर सकता, और उनकी जो प्रेरणा है उससे तो कई मुलायम सिंह के जो है चाहने वाले पैदा हुए, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चल के उनको सच्ची श्रद्धांजलि ही दिया जा सकता है, दूसरा मुलायम सिंह पैदा नहीं हो सकता। और अभी तक चुनाव हुआ है दूसरे लोगों का, तो मैनपुरी और यहाँ वहाँ, ये देखिए दल है, दल तो सभी दल लड़ाएंगे, लेकिन ये सबको पता था कि वो आदरणीय नेता जी श्री मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है, वहाँ कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन भाई पार्टियाँ हैं, लड़ाती हैं तो लड़ाए लोग, लेकिन यह है कि वहाँ के लोग धन्य हैं कि कम से कम सच्ची श्रद्धांजलि दे दिए नेताजी को, डिम्पल यादव को जिता कर, मतलब डिम्पल जी को जिता करके उन्होंने जो खालीपन था उसको भरने की कोशिश किया है। और ये भी बताया कि जैसे समाजवादी पार्टी के समर्थक ये कहते रहे कि ये भी बताया कि ये मुलायम सिंह का गढ़ है, वो गढ़ बाकी रहेगा, ये तो सभी लोग जान भी रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी को हो चाहे विपक्ष के लोग हैं, सभी लोग जान रहे थे कि वो नेताजी का गढ़ है, वहाँ कुछ होना नहीं है, लेकिन भाई पार्टियाँ तो लड़ाएंगी, लड़ाए लोग, और खुशियाँ भी लोग मनाए, गम भी मनाए, लेकिन इंसान सोचता है अपने नज़रिए से, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा कुछ और होता है जी। यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से लड़ा के जीत के लिए प्रयासरत थे, लेकिन यह कोई किसी शायर ने कहा कि आँखों में खुशी दिलों में गम भी होता है, कहीं बचती है सहनाई तो कहीं मातम भी होता है। क्या बात है। तो दोनों तरफ कहीं खुशी थी तो कहीं गम था, दो सीटें लोकसभा, एक लोकसभा एक विधानसभा समाजवादी जीती, एक रामपुर हारे, तो रामपुर हारने का कोई गम है? खुशी क्यों नहीं है, खुशी भी मनावे तो कैसे मनावे, एक तरफ खुशी एक तरफ गम। बीजेपी के लोग हिमाचल हारे गुजरात जीते, खुशी भी मना लें गम भी मना लें। कांग्रेस के लोग बड़ी मेहनत किए थे गुजरात में, वो लोग भी हारे तो खुशी भी मनावे चाहे गम मनावे। केजरीवाल जी यानी सबके लिए कुछ ना कुछ रहा, सबके रहा। केजरीवाल जी वहाँ दो दो जगह लड़ाए, नहीं हुआ, यहाँ अपना जीत दिल्ली में दर्ज किए, खुशी मनाने। तो खुशी गम दोनों ऊपर वाले के यहाँ से है, उससे कोई अछूता नहीं है, ना उससे कोई बच सकता है। इंसान सोचता कुछ और है, लेकिन ऊपर वाला अपना गेम जो है कुछ और तरीके से करता है। ये पॉलिटिकल है, लाइन है, ये लोग पॉलिटिकल हैं, ये लोग अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, अपने अपने लिए जीत के लिए दर्ज कराने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन सही जीत ये है कि कागज पे और सीट जीत के वो जीत जीत नहीं है जब तक लोगों को दिलों को ना हम जीत पाएं। जब जनता के दिल को आप जीत लेंगे तो सच्चे। यहीं पे मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा, जैसे
आजम खान और उनके बेटे और तमाम जो नेता थे जो रामपुर के कैंडिडेट थे उनके बारे में ये कहा गया कि वो थाने में बैठ के धरना दे रहे थे एसपी ऑफिस पे कि ऐसे चुनाव करा के क्या फ़ायदा है। वहीं पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी आजम खान के विरुद्ध जा करके मतलब उनके खिलाफत कर रही थी कि नहीं ये सब बंद होना चाहिए, आजम खान ने एकदम से बपौती समझ लिया है रामपुर को, रामपुर क्या सांसे आजम खान से पूछ करके लेगा, तमाम चीज़ें महिलाएं विरोध कर रही थी। ये मैंने कहा ना कि खुशी गम दोनों है, उसी तरह से समर्थक और विरोधी दोनों होते हैं। और जब थोड़ा सा आदमी कमज़ोर होता है तो उसी वक्त पता चलता है कि कौन मेरा हमदर्द है कौन मेरा दुश्मन है। तो आजम साहब भाई वहाँ के मामले में हम लोग बहुत जानते नहीं, लेकिन आजम साहब जिस तरीके से चिल्लाते रहे बोलते रहे, अब अंदर की सच्चाई तो वहाँ के लोग ही जानेंगे। अब सबसे पहली बात, कोई दल हो लोकतंत्र को बहाल रखना चाहिए, संविधान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर जब यही नहीं बचेगा तो देश में कोई नहीं बचेगा। आप काफ़ी पुराने समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और आपने भी केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का नाम लिया, आम आदमी पार्टी, उसने शुरुआत किया, 10 साल में ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई और 2 स्टेट में गवर्नमेंट है, और जब से दिल्ली में उन्होंने चुनाव लड़ा तब से लेकर के वो अभी तक वहाँ की सत्ता पर काबिज़ हैं। MCD चुनाव भी जीत लिया, 4-5 विधायक गुजरात में भी बना लिए, तो कभी मन में रंज नहीं आता कि आखिर, कभी तकलीफ नहीं होती कि आखिर ऐसी समाजवादी पार्टी की नीतियों में क्या खामी रही कि एक प्रदेश के आगे बढ़ नहीं पाई। हालांकि एक विधायक आपका गुजरात में जीता है, तो ऐसा क्या रहा खास अरविंद केजरीवाल की राजनीति में कि वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, मतलब एक बड़ा प्रदेश उन्होंने जीता है पंजाब के तौर पर, फिर गुजरात में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 5 विधायक वहाँ से जीते और इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अग्रसर प्रयासरत तो सभी लोग रहते हैं, नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा जब थे तो वो दिल्ली में भी लड़ाते थे, महाराष्ट्र में भी लड़ाते थे, महाराष्ट्र में भी कभी कभी 4-4 विधायक रहे दोनों समाजवादी पार्टी के, मध्य प्रदेश में भी लड़ाते थे, मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे, बिहार में भी लड़ाते थे और गुजरात में भी लड़ते थे, उत्तर प्रदेश में थे, कई प्रदेशों में लड़ाते थे। लेकिन जब से थोड़ा सा बीमार उमार रहने लगे, आपसी कुछ रहा दूरियां लोगों पार्टी में परिवार, यानी मतलब पार्टी के लेवल पे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं या जो उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोगों को रख रखा है, वो क्या उस तरह से काम नहीं कर पा रहे कि फैलाव नहीं हो पा रहा दूसरे राज्य में? पहले जो थी संघर्ष की राजनीति थी, संघर्ष पे पार्टियां खड़ी होती थी, अब संघर्ष नहीं है, अब दिमाग की राजनीति है। अब दिमाग में जितना लोग सक्सेस हो जाए, चाहे किसी दल के लोग, अब तो दिमाग लगा के राजनीति कर रहे हैं। अब जब सत्ता में आप होते तो प्रयास करते तो और कुछ उसका फल दूसरा आता। नहीं, जैसे अभी आपने देखा होगा गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री जी धड़ाधड़ रैली, यहाँ तक कि जिस दिन वोटिंग था दूसरे फेज का, उस दिन भी उन्होंने 3 घंटे का रोड शो किया, तमाम जिस तरीके से आदरणीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का गढ़मैन पूरी। हालांकि मैं बोल दूं कि इस तरह का जो कारनामा है वो गलत है, संविधान हमको एक जैसा अधिकार देता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चुनाव आयोग को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों चुनाव आयोग ने उस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया और गोदी मीडिया ने भी खास करके नहीं दिखाया, ये गलत था। जिस दिन प्रधानमंत्री जी वोटिंग करने जा रहे थे, वोट देने जा रहे थे, उस दिन भी उन्होंने रोड शो किया जो चुनाव के नियमों के खिलाफ था, चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता उसके खिलाफ था। लेकिन अब क्या ही कहें, तो बताइए आप क्या, अगर अन्य रैलियों की बात मैं करूं तो प्रधानमंत्री जी ने धड़ाधड़ बहुत सारी रैलियां की, तमाम बीजेपी के टॉप लीडर्स ने किया, तो उस तरह की मेहनत समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर पाते, इस वजह से ऐसी हाल है? करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिना मेहनत का थोड़ी पार्टी खड़ी हुई है। नेताजी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी पार्टी कमान संभाल रहे हैं, तो फिर देखिए नेताजी के तजर्बा में और हमारे आपके तजर्बा में बहुत अंतर है, तो थोड़ा धीरे धीरे उस फील्ड में जाएंगे, उस रास्ते पर को पकड़ लेंगे, अपनी मंजिल तक, अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, उसी तरह मैं कह रहा हूँ मैनपुरी जिस तरीके से नेताजी का गढ़ था, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी गढ़ गुजरात माना जाता है, तो वो हर संभव कोशिश करे किए ही हैं कि वहाँ ना हम जो ना हार पाएं, जीते वहाँ जी। तो उन्होंने जो किया अपने अपनी साख बचाने के लिए वहाँ किया है। बहरहाल जो नियम है, मैंने कहा ना, नियम से करना, लोकतंत्र और संविधान को देखते हुए काम करना चाहिए,
अब वो हमसे आपसे बेहतर जानते होंगे कि लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है। सही बात। और हमने अपने बचपना में तो कभी नहीं देखा था कि प्रधानमंत्री इतनी रैली करते थे, देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आप जाके देखें कि प्रधानमंत्री भी जी जो चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां मेहनत करते हैं लोग। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है और हाँ, सकता है कि ये गलत हो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरी ये बात गलत है या सही है। आप कमेंट जरूर करिएगा कि जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं या जो भी मंत्रिमंडल है, अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूँ या जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जो मंत्रिमंडल है वो पूरे देश का होता है, ना कि किसी पार्टी का खाली होता है। जब आप भारत सरकार का गठन करते हैं तो भारत सरकार के उस गठन में जो मंत्रिमंडलों का गठन होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसमें जो मंत्री होते हैं वो पूरे भारत के होते हैं, ना कि किसी पार्टी के होते हैं। तो आप दूसरे स्टेट में जाकर के किसी पार्टी के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे या उनकी किसी की खिलाफत करेंगे, तो ये सरासर मुझे लगता है कि गलत है। और जैसे मुख्यमंत्री हैं वो दूसरी जगह पे जाके ना प्रचार करें किसी का, ये सभी के लिए है, किसी एक के लिए ना। अगर ऐसा कर दिया जाए, ऐसा संशोधन करके या कुछ ऐसा नियम बना के किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है। विधायकों को खुला छोड़ दिया जाए, कहीं जाके किसी स्टेट में प्रचार प्रसार करें। जो सांसद हैं वो किसी स्टेट में किसी का भी सांसद हो जाके प्रचार करें। लेकिन जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो इन चीज़ों से अगर बचें, उनको कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिससे वो प्रचार प्रसार ना कर सकें किसी भी पार्टी का हो, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सही है, मैंने कह दिया ना कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री, लोकतंत्र संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो सब जो आपने कहा वो सब पालन हो जाएगा जी। और नहीं करना है तो उसके लिए कोई भाई जबरदस्ती तो करा नहीं सकता। अब जिसे जो जिस पोजिशन में रहता है अपना, उसका उपयोग दुरुपयोग दोनों होता है, सबके ऊपर है ये तो। बहरहाल देश है तो हम है, देश नहीं तो हम नहीं। बिल्कुल सही बात। आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल लेना चाहूँगा। पिछले कुछ दिन पहले आपको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, तमाम चीज़ें हुई आपके साथ, और फिर उसके बाद अभी क्या चल रहा है उसमें? देखिए, उन्होंने इंटरसेप्टिव बेल में हमको मिली है हाई कोर्ट से, चार्जशीट इन लोगों को दाखिल करना, चार्जशीट दाखिल करेंगे फिर हमको नोटिस आएगी, फिर हम कोर्ट जाएंगे। उसको हमको कोई मलाल नहीं है, हो सकता है हमारा इम्तिहान रहा हो। ऊपर वाले इम्तिहान लेते हैं ना, जिससे बहुत प्यार करते हैं उसी से इम्तिहान भी बार बार लेते हैं। और आप लोगों के या जनता के दुआ से मैं हर कहाँ ऐसी चूक हो गई कि सारी चीज़ें, अब तो मुझे खुद पता नहीं कौन कराया कैसे कराया। आपको पता है कि मेरा विद्यालय मैं सेवा के लिए चलाता हूँ, एक रुपया कोई हराम है बता दे कभी लिया हूँ किसी से। विद्यालय मैं अपने पिताजी के नाम चलाता हूँ, उनके नाम के लिए कि उनका नाम जिंदा रहे। 300-400 लड़कों को आज भी मैं फ्री पढ़ाता हूँ अपने यहाँ। और 2-4 लाख रुपया मेरे लिए कोई ऊपर वाले क्रम से बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं 2-4 लाख की नकल कराऊँगा। विद्यालय में मैं जा भी नहीं पाता, बहुत कम जाता हूँ। उस समय तो मैं चुनाव में था, दीदारगंज का प्रभारी बनाया गया था, मार्च में मेरा नाम लाया गया। तो भगवान करे जिसने मेरा नाम लाया उसका भला करे, उसका बुरा न करे भाई, इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारी कागजों में मुझे मुलजिम बना दिया गया, लेकिन जो जनता की अदालत में, जनता की अदालत ने कभी मुझे मुलजिम नहीं माना, हमेशा मुझे बरी किया था। और भी पहले भी प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं, और उनको पूर्ण रूप से मेरे कार्य पे, मेरी ईमानदारी पे विश्वास है। इस दौरान हमने बहुत सारी जगहों का भ्रमण किया, घूमे, अदेवारा में फिर बाढ़ आई थी, पिछली बार आप साथ में गए थे, लोगों की काफ़ी आपने मदद किया था। तो एक परिवार ऐसा मिला मुझे जिसकी मदद आपने पिछली बार किया था, तो इस बार भी मुसीबत में थी तो मुझसे पूछ रही थी कि भैया वो प्रमुख जी नहीं आएंगे क्या, वो भैया नहीं आएंगे क्या? आपने सवाल छेड़ दिया तो चलेंगे, अब थोड़ा मैं फुर्सत में हूं। नहीं, मैं चलते हैं, हाँ, चलते हैं। अमूमन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जब आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पे नहीं थे, बाहर थे, इन तमाम झंझावतों में फंसे हुए थे, तो लोग आपकी सलामती के लिए बहुत सारे लोग थे। दुआ मेरे पास, दुआ है, गरीबों की दुआ है, सबकी जो आशीर्वाद है, तभी तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत से बचता हूँ। इंसान अपने, मैंने कहते हैं कि इंसान अपनी सोच को कायम कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले के अपनी सोच थोप नहीं सकता। जब ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो इंसान की सोच वहीं फेल हो जाएगी। तो लाख प्रयास कर लें, जो मुझे झेलना होता मैं झेलूंगा, लेकिन मैं ऊपर वाले से विश्वास नहीं तोड़ सकता। मैं विश्वास हमेशा कायम रखूंगा ऊपर वाले पे। ये लोग क्या है, दुनिया वाले क्या है, कुछ नहीं। ऊपर वाला के इंसाफ के आगे सब लोग फेल। नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, कैसा प्रदर्शन होगा इस बार? भाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा कि हम सम्मत से लड़ाएंगे अपने, तो कुछ जिले के समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकारी समाजवादी पार्टी के लोगों को अब
पहले से ही कार्यक्रम बना के मजबूती से लगना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो जिले स्तर के नेता हैं उनके अंदर बहुत कमियां हैं। कमियां यह है कि डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन लड़ेगा। अगर पहले से मैदान में उतार दें तो अपना जो हर दाव का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीत सकता है। और समाजवादी पार्टी के पास बहुत बड़े बहुत संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनको कोई उस मतलब इस्तेमाल करने वाला नहीं मिल पाता। रणनीति ढंग से बनने कोई रणनीति समाजवादी पार्टी में नहीं है। ये लोग पहले से तय कर लें, आखिरी बेला तक तय नहीं कर पाते कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। 5 लोग 6 लोग जब प्रत्याशी हो जाएंगे तो उसमें से जब 1 लोगों को मिलेगा 4 लोग बागी हो जाएंगे। तो जब अपने घर से ही विरोध हो जाएगा तो फिर आप कल चुनाव क्या लड़ पाएंगे। अभी भी वक्त है, अभी से पहले से डिसाइड कर लें, डिसाइड करके मैदान में छोड़ें, अपने सब लोग मेहनत से ईमानदारी से लग जाएं। चुनाव कोई मुश्किल थोड़ी ना होता है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन ईमानदारी से लगना पड़ेगा। दिसंबर खत्म होने के बाद हालांकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं पॉलिटिकल राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पहले से शुरुआत कर दी है 24 के इलेक्शन के लिए। एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार को लेकर के बृहद स्तर पर कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, लोग मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रणा चल रही है और बैठकों का दौर जारी है कि किस तरह से हम अपनी रणनीति बनाएंगे। वही मैं देखता हूं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लगे हुए हैं, भारत को जोड़ रहे हैं और अपनी पार्टी को विस्तार देने की कोशिश में हैं, और अन्य पार्टियां अभी उस तरह से सक्रिय नहीं हैं। तो 24 की क्या तैयारी रहेगी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी के देखिए, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं जो आपने बीजेपी के वर्करों के कार्यकर्ताओं की बात कही। हम तो नेताजी के साथ काम किए, हम लोग जानते हैं नेताजी कैसे काम लेते थे। जो समाजवादी पार्टी का वर्कर कभी किया करता था आज बीजेपी के वर्कर कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के वर्कर को समाजवादी पार्टी के लीडरों को अगर सीट चाहिए प्रदेश भर में तो अपने वर्करों को पहले से ही एक्टिव करें, उनको लगा दें फील्ड में जैसे पहले काम किया जाता है उसे काम करें। अब मजबूरी ये है कि जो काम करता है वो पीछे रह जाता है, जो काम नहीं करता वो चेहरा दिखा के आगे जो है हीरो बन जाता है। तो जो काम करने वाला वही मायूस हो जाता है। सम्मान सबको दो, सम्मान के लिए कार्यकर्ता परेशान रहता है, उसको नोट कोई तनख्वाह नहीं देता, किसी दल में कोई दल हो किसमें कोई पैसा नहीं देता, लोग सम्मान देते रहे। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा जुझारू कार्यकर्ता है, बस उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे लोग। तो प्रदर्शन ओवरऑल कैसा रहेगा आगे चल के? अब तो अभी पहले से बेहतर ही रहेगा, मिला जुला के अभी तो मैनपुरी और ये सब चुनाव से खाली हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब चाचा शिवपाल जी भी हैं साथ में, कुछ मजबूती आई? बहुत मजबूती आई है उसमें कोई शक नहीं है। अभी लोग रणनीति बनाएंगे, बना के जो है पूरे प्रदेश में अपना फरमान जारी करेंगे, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी के लोग काम करना शुरू। एक छोटा सा सवाल और है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैनपुरी का गढ़ हारने के डर की वजह से शिवपाल यादव को जाके मनाया अखिलेश यादव ने। भाई देखिए, वो तो चचा भतीजा हैं, मनाना क्या है, ये छोटे हैं अखिलेश जी, उनसे जाके कोई बात होगी तो जाके माफी भी मांग सकते हैं। बड़ा प्रेम आ रहा है शिवपाल को, छोटे नेता जी कह रहे हैं। एकदम वो चाहेंगे, उन्होंने पाला है, उन्होंने उनकी परवरिश किया है, तो चचा भतीजे के प्यार का कोई तोड़ नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है। कभी कभी बीच में कुछ लोग दरारें डाल देते हैं जिसकी वजह से परिवार में भी दूरियां हो जाती हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दोस्त साथी कोई हो ही नहीं सकता जब तक जब परिवार साथ हो जाए। अगर परिवार साथ है तो हर लड़ाई जीती जा सकती है, कोई शक नहीं। और जब परिवार नहीं रहती ना साथ में तो बाहरी दोस्त आके वो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे जो घर वाले जीताते। मैं जिस मामले में मेरे ऊपर मुकदमे वगैरह लगाए गए, भाई मेरे लिए मेरे दोस्तों के तो गरीबों की सबकी दुआ थी, हमदर्दी भी थी, दौड़ भी रहे थे, लेकिन मेरे घर मेरे भाइयों ने मेरे परिवार के लोगों ने जिस तरीके से एकता दिखाई उसी का अंजाम नतीजा रहा कि हम लोग जो है आज यहाँ खड़े। और मैं चाहूँगा कि मैं इस संदेश के माध्यम से लोगों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अल्लाह ताला या ऊपर वाला भगवान सबको मेरी फैमिली जैसी फैमिली दे ताकि हर मुसीबत में कंधे से कंधा मिला के चले। और मैं तो इतना जानता हूँ कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। क्या बात है। तो हमने बातचीत किया इसरार अहमद साहब से जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं रानी की सराय के, और उन्होंने परिवार को लेकर एक बड़ी बात बोल दी कि अगर परिवार साथ है तो फिर कोई भी जंग जीती जा सकती है। और उन्होंने दो एक शेर भी इस दौरान सुनाए और
आप तो जानते ही हैं, जिन्होंने पिछला इंटरव्यू देखा होगा, बातचीत देखी होगी, तो वो जानते होंगे कि शेर व शायरी के बड़े माहिर हैं, शौकीन हैं, तो उन्होंने अपनी बात को शेर के माध्यम से कहा। बहरहाल हम यहीं पे विराम लेंगे और आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, फिर वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।